नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कीर्ति इंसा जी हैं जो डेरा सच्चा सौदा में 15 सालों से आ रही हैं, और आज आपको हम सीधी कवरेज दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से, और इनके साथ बातचीत आपको सीधा दिखाएंगे। नमस्कार जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। थैंक यू। कीर्ति जी, आप 15 सालों से आ रहे हैं डेरा सच्चा सौदा, कैसा माहौल लगता है आपको आश्रम में? यहाँ का माहौल तो कहीं भी नहीं मिलेगा। हम तो यहाँ पे आके रहते हैं, दो दो दिन की सेवा पे आते हैं, हफ्ते की सेवा पे भी आते हैं, लंगर पानी सब, चाय पानी सब फ्री मिलता है, नहाने धोने की अच्छी सुविधा है सारा। जहाँ हमारा बहुत मन लगता है, जहाँ आते हैं तो घर जाने का मन नहीं करता। लेडीज को लेकर, मतलब आप बीइंग लेडीज, आपको क्या लगता है माहौल कैसा है? अरे यहाँ का माहौल तो इतना अच्छा है ना, लेडीज के लिए ऐसे बना रखा है कि बहनों की और भाइयों की जगह इतनी इतनी अलग है कि बहनों की तरफ भाई आता भी नहीं है, और रात के टाइम भी पैरा लगता है यहाँ पे बहनों का भी, इधर से भाई उधर ना जाए और भाई बहनों की तरफ ना आए, इतनी वो है कि कुछ मर्जी कैसे बहने फिरती रहे, कोई डर वाली बात नहीं है। यहाँ आश्रम में एक गुफा बताया जाता है, गुफा में कभी गए आप? जी, गुफा के अंदर तो नहीं गए, लेकिन वहाँ सेवा जरूर लगी है 13 मास में। लेकिन वहाँ पे ऐसे बताते हैं, गुफा में ये था, मीडिया वालों ने जो झूठ बोला था सब झूठ है, कुछ भी नहीं है वहाँ। पिताजी बस अपना आराम करते सोते हैं, उसको गुफा बोलते हैं, और कुछ भी क्या कोई बंद कमरा बना हुआ है, कोई ऐसी गुफा टाइप का बना हुआ है जहाँ ओपन एरिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे आम घर होता है वैसा घर है पिताजी का। जो इतना मीडिया में खबरें दिखाई जा रही थी, उन खबरों के बारे में क्या कहो? वो खबरें सब झूठ है, वो ऐसे बताया था सुरंग है, ये है, वो कुछ भी नहीं है। हम तो पूरा डेरा घूमे हुए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब मीडिया ने फेक बताया। ऐसे पता नहीं पैसे का लालच है उन्हें, कैसे मीडिया को तो जैसे बोलोगे वैसे बोला जाए। जो आरोप गुरु जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो भी सब झूठ है, गुरु जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो तो इतने भले काम किए उन्होंने, लड़कियों को अपनाना करा और उनके ऊपर इतने गलत इल्जाम लगाए हैं, वो सब झूठ है। सच क्या है फिर, गुरु जी का नेचर कैसा है? अरे नेचर वो तो सबको बेटियां बना के रखते हैं, और कहते हैं मेरे पास बेटियां आई हैं, मेरी बेटियां मेरी खाली नहीं जाएंगी कोई भी, इतना अच्छा नेचर है गुरु, इतने अच्छे काम किए हैं गुरु जी ने कि कोई कैसे काम किए हैं समाज के लिए, क्या किया गुरु जी? गुरु जी ने बहुत कुछ किया, जैसे पहले बेटियां होती हैं लोग अबॉर्शन करवा देते थे, अब गुरु जी ने कहा अभी बेटियों को मारो मत, आपके पास ज़्यादा लगती हैं, दो के बाद तीन हो गई हैं, जैसे ज़्यादा लग रही है आप पैदा करो हमें दे जाओ, हम उनको पालन पोषण करेंगे, शादी करेंगे, हम उसकी करेंगे सब, अब मारो मत बेटियों को। रेशियाओं को अपनी बेटियां बना के उनकी शादियां करवाई हैं, अच्छा विधवा औरत हो जाती थी उसको ज़िंदगी काटनी मुश्किल हो तो उसकी शादियां करवाई हैं, हर तरह के मतलब बेटियों के लिए तो बहुत ज़्यादा पिताजी ने किए हैं। और जो नशे करते हैं लोग उनके नशे छुड़वाए हैं, कितने अच्छे काम करते हैं नशे लेके, आजकल जंगली लड़के मर रहे हैं इंजेक्शन लगा के, ये करके यहाँ आते हैं जो सेफ हैं सब। क्या हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए गुरु जी का कोई योगदान है मैम? देश को बस गुरु जी ने ये कहा भी अच्छे काम करो, ये तभी तो मीडिया ने ये कर रखा है कि उन्हीं का नाम हो रहा है, उनके पीछे इतनी सारी दुनिया जा रही है, वो है क्या वहाँ पे, बस उन्होंने यही करने के लिए तो पिताजी को ये फंसाया है कि वो उनका नाम ना हो जाए दुनिया में। आपने भी एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, क्या मतलब है इस यूनिफॉर्म का? ये पिताजी कहते भी अब जहाँ भी जाएँ हमारे सेवादार, पता चले भी सच्चा सौदा के सेवादार ये काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी कुछ भी से आग लग जाती है या कुछ भी होता है तो हमारी भाग के जाती है सेवादार संगत। तो कोई आपको सरकार पैसे देती है? कौन पैसे देता है? कोई भी पैसे नहीं देता, खुद हमारे अंदर इतनी पिताजी ने भावना भर रखी है कि बस दूसरों की मदद करें। कहाँ कहाँ पर करते हो ये? सिरसा में? कहीं भी नहीं, कहीं भी, हमारे शहरों में भी, कहीं भी हो, हर जगह करते हैं। कैसे कैसे कार्य करती है ये फोर्स, क्या काम करती है ये फोर्स? गरीबों को मकान बना के देते हैं, पिताजी कहते हैं जैसे गरीब है कोई भी शहर में गरीब है, परमार्थ इकट्ठा करते हैं संगत से जितना हो सकता है, डेरे से भी हेल्प मिलती है हमें पिताजी, तो जो गरीब का मकान डलवा दो, किसी गरीब की लड़की की शादी करवा दो, हर तरह के काम करते हैं, कहाँ भी जहाँ भी जरूरत है, कोई भूखे हैं कहीं सबको खाना बना के भी देते हैं। जब ये कोरोना में लंगर बना के बांटा था बहुत भूखों को, एक्चुअली में लोगों को फायदा मिलता है उनका? तो मिलता ही है फायदा, तो फायदा तो मिलता ही है। क्या आज भी समाज को आपको लगता है गुरुजी की जरूरत है? अभी बहुत जरूरत है, जो इतना कुछ हुआ था हम सोचते हैं आगे भी होए, अभी पिताजी होते हैं इतने 2-3 सालों में तो ये इतनी दुनिया और सुधर जाती। प्रभाव क्या पड़ा है उनके ना रहने से समाज के ऊपर? उनके ना, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमें तो समाज कह रहे आते हैं, समाज के ऊपर तो बहुत पड़ा है, कितनी दुनिया सुधर जाती है, कई कईयों के विश्वास टूट गए हैं जो गलत रास्ते पे चल गए हैं, तो इनसे जुड़े रहते आते रहते। तो क्या अपील करोगे आप सरकार से संत जी के लिए? हम तो यही कहते हैं कि हमारे पिताजी को आज के आज भेज दें। जो सजा मिल रही है किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? संत जी को ही मिल रही है, समाज तो संत जी को ही मिल रही है। हम तो कहते हैं पता नहीं वो हमारे कर्म लेके बैठे हैं, हम बुरे कर्म हमसे ही कुछ हुए, हमसे कमी रह गई जो हमारे गुरु जी झेल रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार पब्लिक बता रही है कि समाज को गुरु जी की सख्त जरूरत है। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।